नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के ब्लॉक सभागार में दो दिवसीय पंचायत सहायक मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी श्वेता सिंह ने की। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि ग्राम सभा स्तर पर ही पंचायत भवन पर ब्लॉक संबंधित कार्य पंचायत सहायक मित्र द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से खतौनी निकालना, डोंगल लगाना, अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन से लेकर के मास्टर रोल सभी कार्य पंचायत सहायक मित्र द्वारा किया जाता जानते हैं। इसी वजह से सरकार पंचायत स्तर पर एक सहायक पंचायत की नियुक्ति की है। साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से ये पंचायत सहायक ग्राम सभा स्तर पर लोगों की समस्या का निस्तारण करेंगे। जो पहले कार्य करने में जटिलताएं थी उनको सरलीकरण रूप देने का काम करें। एडीओ पंचायत अमरजीत सिंह ने पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया और उनको निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सुबह शाम तक पंचायत भवन पर उपस्थित होकर के लोगों की समस्या का निस्तारण करें। इस मौके पर प्रशिक्षण शिवम राव, एडीओ कोऑपरेटिव हरकेश परमार, एपीओ मिंटू गुप्ता, केशव प्रसाद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के बारे में बताइए, कितने दिवसीय प्रशिक्षण रहा है, इस प्रशिक्षण के द्वारा क्या क्या जानकारी? अमरजीत सिंह, एडीओ पंचायत कोयलसा। ये दो दिन का अनावासीय प्रशिक्षण चल रहा है पंचायत सहायकों का, 31 और लास्ट हमारा समापन होगा 5 बजे। इनको गाँव पंचायत में रह करके कंप्यूटर संबंधी जानकारी, भुगतान की जानकारी, जो भी शासन द्वारा संचालित जो भी योजनाएं गांव पंचायतों में चल रही हैं उनका, इसके लिए उनके लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर विभाग के लोग, समाज कल्याण के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, सभी लोग अपने अपने विषय की जानकारियाँ इन लोगों को दिए हैं। जिले से भी शिवम राव अभी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, वो भी अपना SLWM के विषय में उन्होंने पूरी जानकारी इन लोगों को दिया। तो ये सभी जानकारी इन लोगों को दिया जा रहा है। विशेष रूप से हमारे गांव पंचायत में जो भी गांव पंचायत का भुगतान होना है, जो भी कार्य हमारे ग्राम निधि से हो रहे हैं उनका भुगतान अब इन्हीं को करना है और उसी गांव पंचायत से होना है, उसी कंप्यूटर से होना है। अगर ये कहीं अन्यत्र कैफे या ब्लॉक से किसी करवा ले रहे हैं, जैसे पहले होता था भुगतान, उस तरह से नहीं हो पाएगा। अगर ये लोग कहीं अन्यत्र अपने गांव से हट के भुगतान करेंगे, ये जानकारी शासन तक हो जाएगी, ऐसा है उसमें किया जा रहा है। अच्छा, और क्या इनका प्रशिक्षण इससे पहले नहीं हुआ था? प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ था इससे पहले, उनका लोहिया भवन में प्रशिक्षण एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था। अच्छा, इनका मानदेय वगैरह सारी चीज़ें ग्राम प्रधान को देना है? हाँ, गाँव पंचायत प्रधान और सचिव का जो खाता होता है, लोगों का 6000 रुपये मानदेय है। अच्छा, इनका मतलब सुनने में आ रहा था कि लोगों को भी मानदेय काफ़ी लंबे समय से नहीं मिला है। अधिकांश हमारे यहाँ से दे दिया गया है, कहीं कहीं जैसे सचिव का स्थानांतरण हो गया जहाँ, और वहीं कहीं दिक्कत है बस, और कहीं नहीं जाओ, जो भी दिक्कतें थी वो सब दूर कर लिया गया है। कहीं टेक्निकलिटी जहाँ थी वहीं रुका हुआ था, और कुछ सचिव स्थानांतरित हो गए थे, ये DSC उनकी मिस्टेक नहीं हो पाई थी, इसलिए नहीं रुका था। 6-6 महीने बता प्रयास कर रहे हैं कि सबका मानदेय दे दिया गया। अब तक जैसे आप लोग आते जाते नहीं थे, कोई जानकारी नहीं हो पाती थी और कई कई लोग नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब सुबह 10 बजे इन लोगों को वहीं पंचायत भवन से जहाँ कंप्यूटर लगा है वहाँ से उन लोगों की हाजिरी होती है। अच्छा, ये लोग मतलब प्रतिदिन केवल गेस्टेड हॉलीडे के दिन ही इनको बराबर उपस्थिति इनके पंचायत मिल रही है? हाँ, अगर नहीं मिलती तो नहीं मिलती, क्योंकि अब कार्रवाई होगी उस दिन का मानते हैं। कार्रवाई आपके स्तर से होगी कि सचिव के? जैसे अगर सचिव उनको सूचना देंगे तो हम उनका मानदेय रोकने के लिए उनको निर्देशित करें, कर देंगे कि उनका मानदेय रोक दिया जाए। चलिए, ठीक।